मैं शेफाली मालपानी जयपुर से आप सबका अमूल के फेसबुक पेज सिंपल होममेड रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए आज मेरी डिश भी एक स्वीट डिश है जिसका नाम है गुलाब जामुन। तो चलिए हैं, मैं मेरी रेसिपी के अनुसार आपको बताती हूँ कैसे बनाऊँगी मैं। तो देखिए, इसके लिए हमें चाहिए, मेरी छोटी सी अमूल पेंट्री में से मैंने लिया है अमूल का काऊ घी, अमूल का पनीर। आज मुझे अमूल का खोया नहीं मिला था तो मुझे नॉर्मल बाज़ार से मावा लेना पड़ा। पनीर है, पिस्ता, मैदा, अभी मैं इसकी आपको रेशोज अभी बताऊंगी, केसर, कटे हुए पिस्ता और पिंच सोडा। तो सबसे पहले हम हमारा मेजरमेंट इस तरह से रहता है, अगर हम 1 किलो मावा ले रहे हैं तो उसमें हमें चाहिए 1/2 किलो पनीर और चीनी चाहिए हमें 3 किलो, लेकिन मैंने इसका रेशो मैं बिल्कुल आधा कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो मावा लिया है तो मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम, पाउडर पनीर लिया है। इसी के साथ में हमें चीनी, मैंने इसको रेशो कर दिया 1.5 किलो, 1 किलो में हमें 3 किलो चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चीनी ली है। मैदा 1 किलो में 225 ग्राम चाहिए तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के मैदा लिए हैं। और साथ ही में थोड़ा सा मीठा सोडा चाहिए हमें। गुलाब जामुन बना रहे हैं हम अमूल के मावा और पनीर के साथ। मैं अच्छी क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मुझे काफी बड़े बर्तन चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। अब मैं आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ, बेकिंग स्केल। इसको मैंने जीरो कर दिया है। और इसमें मैंने लिया है 1.5 किलो चीनी ले रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी 1.5 किलो चीनी है और इसे में हमें चाहिए 1.5 लीटर पानी। मैंने आपको इलायची बताना भूल गई थी, इसके साथ में हमें इलायची भी चाहिएगा, तो ये हम चाशनी चढ़ा दे रहे हैं। जब तक चाशनी मेल्ट होगी तब तक हम दूसरी कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखेंगे। अब मैं आपको मावे का मेजरमेंट बता रही हूँ और इसको मैंने जीरो कर दिया है। ये है हमारे पास में 1/2 किलो मावा जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। ये हमारा 1/2 किलो मावा। मेजरमेंट ये 1/2 किलो मावा जिसे मैं एक बड़ी परात में शिफ्ट कर रही हूँ।
इसी के साथ में अब मैं ले रही हूँ अमूल का पनीर, जिसे मैंने पहले से ग्रेट करके रखा था। ये है 250 ग्राम पनीर। साथ में हम चाशनी को भी हिलाते रहेंगे। यह है हमारा 250 का पनीर। ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। चार ग्राम हम सोडा लेंगे। यह हो गया हमारा, बिल्कुल आधा ही चाहिए, 2 ग्राम के आसपास हम सोडा लेंगे। ये हो गया 2 ग्राम सोडा, जिसको हम पानी में मिला के मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी लेंगे। एकदम जरा सा पानी लिया है और इसको मिक्स कर दें, इसमें डाल देंगे और हम इसको हथेली की सहायता से मिक्स करेंगे। बेकिंग स्टोव का हमारा काम हो गया है। जब तक हमारा मावा और पनीर दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसे मसलते रहेंगे। अभी हमें मैदा को लेंगे, सौ ग्राम मैदा चाहिए हमें। ये हमारी 50 ग्राम हो गई है मैदा, 50 ग्राम और लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। जमाते 50 ग्राम और मैदा, 100 ग्राम मैदा लेंगे। अच्छे तरह से मिक्स करेंगे हम पाम की सहायता से। साथ ही में हम
कढ़ाई में अमूल का घी भी डालेंगे। हम बच्चे ही मैदा और डालते हैं। हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है। पूर्वी जी, मैं आज बना रही हूँ गुलाब जामुन। हेलो डोलन रॉय, हम लोग माहेश्वरी हैं तो हमारी राखी तो आज नहीं मनाई जाती है। हम लोग इस राखी के 15 दिन बाद में ऋषि पंचमी आती है तब हम राखी सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रोसेस में मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। मावा अपने आप घी छोड़ के इकट्ठा होने लगेगा। अब साथ ही में मैं पहले कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। ये अमूल का नॉर्मल वाला घी है और मैं इसमें अमूल का प्योर काउ घी डाल रही हूँ। गैस ऑन कर रही हूँ मैं, सिंक पे है फ्लेम। साथ ही में अब हम चाशनी में थोड़ी सी केसर के दाने धागे थोड़ा सा फूड कलर इलायची डालेंगे। हेलो श्वेता जी, मैं जयपुर से हूँ। हेलो सावन जी, मैं जयपुर से हूँ। हम थोड़े से मावे और पनीर में पिस्ता केसर
और थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे ताकि हम उसको स्टफ कर सके हमारे गुलाब जामुन में। थोड़ी सी चीनी, उसे अच्छी तरह से मिक्स करके इस स्टफिंग को हम गुलाब जामुन में स्टफ करेंगे। हम वापस अपने उस प्रोसेस पे आ रहे हैं। मेरे हाथ में थोड़ा सा कलर लग गया, मैं उसे साफ कर। अब हम फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। हमें इसके लिए एक या दो तार के चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल चाशनी को चिपचिपा होने तक ये पकाना रहेगा। हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं। पहले एक या दो गुलाब जामुन को डाल के देखेंगे कि वो हमारे पट तो रहे नहीं है। ये देखिए हमारा एक जैसा हो गया है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा और लेके एक जैसी लोइया करेंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो हमने इलायची, पिस्ता और इसका मिक्सचर बनाया था, इसको हम इसमें स्टफ करेंगे। थोड़ा सा पिस्ता और डाल दें। ये हम इसको इसके अंदर स्टफ करेंगे।
ये देखिए, इसको हम और अच्छी तरह से इस पे रोल करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक गुलाब जामुन तैयार हो गया। अगर हमारे चाशनी भी देखते हैं, अब हम दूसरा लेंगे। अगर हमारे गुलाब जामुन फटेंगे तो हमें थोड़ी सी मैदा, एक्चुअली में आज बाजार का मावा है, अमूल का मावा है नहीं, वरना तो रेशो बिल्कुल से परफेक्ट रहता है। बाजार के मावे में थोड़ा सा थिकनेस कम हो, ज़्यादा हो, तो इससे फर्क पड़ता है। वरना अगर हम अमूल के मावे से अगर गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसके लिए हमें 1 किलो में 225 ग्राम ही मैदा की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैंने हैवी बॉटम की कढ़ाई है, और ये जैसे ये तो आयरन कास्ट की कढ़ाई है, तो इसका तो बॉटम बहुत ज़्यादा हैवी है, इसीलिए इस गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं इस कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गुलाब जामुन को बहुत ही सिम आँच पे तला जाता है। अब मैंने एक बार केवल 2 ही बनाए हैं ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। फिर हम साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। गैस को मैंने फुल पे कर रखा है अभी। अभी कढ़ाई गर्म है, जिस तरह से ये हमारा ऊपर आया है इसी तरह से ये गुलाब जामुन भी ऊपर आ जाएंगे जब हम फ्राई करेंगे पकने के बाद में। अभी हम इसको बिल्कुल फुल आंच पे है, फुल फ्लेम पे डाल रही हूँ। जब तक हम इस मावे को और मसल लेते हैं, जब तक ये गुलाब जामुन को हम चेक करते हैं। फूल तो नहीं रहे हैं, साइज इस बार मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगी, बिल्कुल सेम फ्लेम है मेरी, ताकि ये अंदर से पके। तो चलिए हम और गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। साइज थोड़ा छोटा रख रहे हैं।
चलो हम इनको वेट करके ही बना लेते हैं ताकि सभी एक जैसे बने। तो 25 ग्राम ले रहे हैं हम, 25 ग्राम ताकि हमारे साइज एक प्रॉपर आए। इसको हमें इस तरह से हिलाना पड़ेगा बराबर सिकाई के लिए। बड़ी रह गई हमारी चाशनी भी हो गई है। चिपचिपी का कणा था, ये चिपचिपी होने वाली है। आज हम रक्षाबंधन के इसमें गुलाब जामुन बना रहे हैं। जब तक ये पक रहे हैं मैंने ये गुलाब जामुन और तैयार करनी है। ये सीखने के बाद में ही मैं दोबारा डालूंगी। देखिए कितने सॉफ्ट है। चाशनी बन रही है। गुलाब जामुन को हमेशा इस तरह से स्ट्रेनर से हिलाया जाता है। हाँ तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हम ऐश्वर्य हैं, हमारी राखी अभी नहीं आती है। हम कजली तीज मनाते हैं जिसमें लेडीज व्रत करती हैं और साथ केवल सत्तू से ही उसे खोलती हैं।
देखिए मैंने चाशनी का कलर भी कितना अच्छा आया है। सब सीखने वाले हैं। देखो मैं आपके हाथ टच करके बताती हूँ कितने सॉफ्ट है। ये देखिए आपको फील हो जाएगा। थोड़ा सा और कलर आने देंगे। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। हेलो, आप वेस्ट बंगाल से हैं? मेरा भी बचपन आसाम में बिता हुआ है, आपका नियर बाय स्टेट। मैं डिब्रूगढ़ में, मेरा बर्थ प्लेस है और डिब्रूगढ़ में ही मेरा चाइल्डहुड बिता हुआ है। ये सारा प्रोसेस बिल्कुल से सिम पे कर रहे हैं हम, तभी इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर हम फुल पे या तेज आंच पे करेंगे तो गुलाब जामुन हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तेज आंच पर डालना होता है और उसके बाद में 30 या 40 सेकंड के बाद में उसे हमें सिम आंच पर कर देना पड़ता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारा और सॉफ्टनेस देखिए आप। हमारे बिखरे भी नहीं है जो मेजरमेंट बताया था और सॉफ्टनेस देखें। वापस वो ऊपर आ रहा है, मीन्स परफेक्टली बना है। तो इसको तो मैं अभी यहीं पे निकाल रही हूँ और बाकी मैं बाकी डाल रही हूँ। इसको मैं चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी भी हमारी तैयार है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए सॉफ्टनेस चाशनी में डाल रही हूँ और चाशनी में डालने के बाद में इसको हमें इस तरह से डिप करके रखना पड़ता है बीच बीच में। इधर मैंने गैस को फुल किया है, फ्लेम को, और एक गुलाब जामुन जो मैंने बनाए हैं वो डाल रही हूँ। आज सभी रक्षाबंधन मनाने में बिजी हैं।
देखे किस तरह से हम गुलाब जामुन तैर रहे हैं चाशनी में। बेटी जिसने कैमरा पकड़ रखा है उसके तो मुंह में पानी आ रहा है। गैस मैंने सिम कर दी है। इस तरह से ये अपने आप जब पक जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। उधर चाशनी में देखने के सिम आंच पे रखेंगे इसको हम। टाइम बाउंडेशन है इसलिए मैं इन्हें दो गुलाब जामुन के साथ में प्लेटिंग करूंगी। इस तरह से हिलाया जाता है गुलाब जामुन जब बनाते हैं जिससे ये टूटते नहीं है। चाशनी में 1 से 2 मिनट इसे हम और रखेंगे। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और आपको देखिए कितना परफेक्ट कलर है। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लेट करती हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेशन है हमारे पास में। मैं आपको इस गुलाब जामुन को कट करके दिखा रही हूँ। अब मैं देखिए कट कर रही हूँ इसे। देखिए जो हमने स्टफिंग करी थी वो इसी नजर आ रही है। पिस्ता केसर और देखिए कितना अंदर में कितना अच्छा होल हो गया है। मतलब ये परफेक्टली कुक्ड है। बिल्कुल ट्रस्टेड रेसिपी है। आप एंजॉय कीजिए राखी को इस रेसिपी के साथ में। थैंक यू अमोल। हैप्पी रक्षाबंधन।